कि ये लोग हमेशा से ही, मेरे ख्याल में ये छठा कैंप है और हर बार में 200-300 लोगों का ये लोग पूरा स्क्रीनिंग करते हैं। कैंसर किस तरीके से होता है या स्टार्ट है या ज़्यादा हो चुका है, पूरी बॉडी का स्क्रीनिंग करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे मानपुर शिवाजी नगर के लिए, क्योंकि आज मानपुर शिवाजी नगर कहीं ना कहीं डंपिंग और SMS कंपनी के वजह से बीमारियों से ग्रस्त है और यहाँ पर मेडिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी, वो मेडिकल है। और यहाँ हमारे सगीर भाई है जो मैं देखती हूँ कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि एक बार हॉस्पिटल अगर कोई फैमिली चली जाए और उसका पूरा उसका जो बजट होता है पूरा हिल जाता है घर का, और ऐसे में ऐसा कैंप करना कहीं ना कहीं इस स्लम इलाके में बहुत मददगार साबित होगा। इसको हम लोग हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, और इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि ये कैंप हमारे मानपुर शिवाजी नगर के और भी दूसरे इलाकों में रखा जाए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। आरिफ भाई का शुक्रिया, उन्होंने हमें जो अंदर की बात थी वो बताई कि आज के दिन इसलिए रखा गया। हमारे सगीर भाई का शादी की सालगिरह है, उनको बहुत बहुत शादी की सालगिरह मुबारक हो दिल की गहराइयों से। और मैं चाहती हूँ कि लोग हमेशा इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें, और गवंडी की जनता से एक बार अपील है कि इस जहाँ भी ये कैंप लगे इसका भरपूर फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये कैंप, ये जो स्क्रीनिंग का काम है ये बड़ा महंगा होता है बाहर, यहाँ फ्री हो रहा है तो इसका भरपूर लाभ। आप अच्छा काम कर रहे हो, हम यही चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर भी टाटा नगर 140 में भी आप एक कैंप लो। वहाँ पर भी पब्लिक में बहुत दिक्कत है, लेडीज़ लोग में कैंसर वगैरह और सारी बीमारी बहुत सारी है जो हम बता नहीं सकते। आप वहाँ पे कैंप लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दोनों मियाँ बीबी को कि आज मेरे ख्याल से शादी का इनका वेडिंग एनिवर्सरी भी है। हाँ। और इसी मौके पे ये कैंप रखा गया है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सेवा संघ का, जो कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं SMS जो कंपनी है इसके वजह से हर महीने इधर कैंसर का कैंप होना बहुत ज़रूरी है, और डंपिंग ग्राउंड के वजह से यहाँ पे काफ़ी डिटेक्शन कैंप में हम लोग जो हिसाब से कैंप हो रहा है वो हिसाब से काफ़ी लोगों को डिटेक्ट हो रहा है और हम लोगों को काफ़ी कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं। दरअसल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ की जो हवा पानी है, क्लाइमेट है, वो डंपिंग ग्राउंड और SMS कंपनी की वजह से यहाँ पे बहुत पोल्यूशन के हिसाब से भी बहुत इफेक्टिव है और बहुत जल्द इफेक्ट होता है। जैसा कि औरतों में, स्पेशली औरतों में ऐसा होता है कि औरतें कैंसर का कैंप करवाने के लिए आगे पीछे होती है, और जब ये सेकंड या थर्ड स्टेज पे पहुँच जाता है तब लोगों को पता चलता है, जिससे कि हम लोगों को खुद को दिक्कत होती है। हम लोग यही फील्ड में हैं, कभी ब्रेस्ट कैंसर हो गया, यूट्रेस का हो गया, ऐसे केसेस आते हैं यहाँ से गवंडी से। अभी भी देखो मेरे पास सब केसेस आए हुए, कंटिन्यू कुछ ना कुछ गवंडी के शिवाजी नगर के केसेस है ही, तो यहाँ पे इतना कंपलसरी है। तो मैं ये चाहूँगा सगीर भाई से कि हर महीने एक कैंप होना इधर बहुत ज़रूरी है, कि यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से और यहाँ के लोगों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और मैं लोगों से भी दरख्वास्त करके दरख्वास्त करूँगा कि ये कैंप में लोग आइए और बढ़ चढ़ के अपना टेस्ट करवा दीजिए, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेज में अगर कुछ होता है या अगर कुछ डिटेक्ट होता है, क्योंकि ये स्कैनिंग जो हो रही है ये बाल से लेकर नाखून तक की स्कैनिंग होती है, अगर इसमें कुछ भी डिटेक्ट होता है तो उसका इलाज इजीली हो जाता है। और यही चीज़ अगर टाइम हो जाने के बाद अगर पता चलती है तो वो सेकंड थर्ड स्टेज में बहुत बुरा हाल होता है। हमारे पास केसेस आते हैं तो हमको पता है कि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि आप देख नहीं सकते हो कि कैसे कैसे केसेस है। तो मैं चाहूँगा गवंडी के लोग से जागरूक करने के लिए कि लोग खुद सामने से आवे और ये कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाए, नहीं तो यही टेस्ट के लिए, यही टेस्ट के लिए 15,000 से 20,000 रुपया लगता है खाली, अगर यही टेस्ट अगर कहीं कराने चाहो तो। यहाँ पे हमारी रुखसान आपा भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे फरजान आपा, हमारे सब सोशल वर्कर इधर बैठे हुए हैं, मगर पता नहीं क्यों कि लोग को जागरूकता अभी तक के नहीं हुई है।
मैं चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोग बाहर निकले एक टाइम अपना फिजिकली, और जो यहाँ पे स्पेशली रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए कहूँगा कि महीने में आपको अपना एक टाइम पे टेस्ट पूरा स्कैनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन और यहाँ पे जो डंपिंग के हिसाब से जो चीज़ होती है वो आप लोग को पता नहीं चलेगी, और आगे जाके यही चीज़ जब बढ़ जाएगी तो 2-5 लाख 10 लाख जैसा रुखसाना पे बताया कि आजकल 1-2 लाख रुपया होना कोई बड़ी बात नहीं है हॉस्पिटलों में, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ से आप लोग बचे, क्योंकि एक अगर आदमी अगर बीमार हो जाता है कैंसर का घर में तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और उसके पूरी फैमिली को उसको सफ़र करना पड़ता है। तो मैं गवंडी के लोगों से, बाकायदा शिवाजी नगर के लोगों से, डंपिंग ग्राउंड के यहाँ के लोगों से स्पेशली कहना चाहूँगा कि सगीर भाई है, दोनों मियाँ बीवी मेहनत करते हैं, सोशल फील्ड में उतरे हैं और काफ़ी ये छट्टा कैम्प है, ये आप लोगों के लिए छट्टा कैम्प लगाया गया हुआ है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाए और इनको दुआ दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी दोनों में मोहब्बत रहे, दोनों मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत रहे और कामयाबी देवे और शादी की सालगिरह मुबारक। पहिल्यांदा सगीर भाईला लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। पहिल्यांदा अशी माणसं खूप कमी आहेत की वाढदिवसाच्या निमित्तानं लोक आपल्या फॅमिलीला घेऊन बाहेर कार्यक्रमात जातात, म्हणून सगीर भाई एकमेव अशी व्यक्ती आहे की ते सामाजिक बांधिलकी म्हणून जो कार्यक्रम ठेवतात समाजासाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि उत्सवरणीय आहे, कारण की आज लोकांची काय गरज आहे त्यांना माहिती आहे, आज ते सुद्धा गोवंडीत राहत आहेत, गोविंदामध्ये लोकांचे हाल अपेक्षा, त्यांना असणारे आजार, त्या आजारामुळे निर्माण होणारी त्यांच्या घरातली परिस्थिती याची जाणीव ठेवून त्यांनी हा कार्यक्रम केला, त्याला खरंच माझ्या मनापासून शुभेच्छा। दुसरी गोष्ट की लोकांनी याचा पुरेपूर फायदा घेतला पाहिजे, आज कॅन्सरसारखा आजार असा आहे की लोकांचं घर पूर्णपणे विस्कळीत होतं, कॅन्सर कशामुळे होतं का होतं हे कळत नाही, कारण की ह्या सगळ्या टेस्ट आहेत ह्या केल्यानंतर कळतात, पण इथे ह्या कार्यक्रमात त्यांनी ज्या टेस्ट ठेवलेल्या आहेत जसं WBC काउंट आहे, हिमोग्लोबिन आहे, अशा बऱ्याचशा टेस्ट ठेवल्या आहेत, जेणेकरून आपल्याला काही बाकीचे आजार असतील त्याची पण माहिती इथे भेटते, त्या बाबतीत काय मेडिसिन असतील जसं त्यांनी ताप सर्दी खोकला याच्यावरची औषधं ठेवलेली आहेत, ते केवळ की लोकांना सर्वसाधारणांना त्याच आजारावरची औषधं पण देता येईल, तर ते ह्या आजारामुळे त्यांना स्वतःचं एक व्यवस्थित आरोग्याचं निदान होईल की आपल्याला कसला आजार कशामुळे होतो आहे। आणि कॅन्सरच्या संदर्भात सगळ्यांचं खरंच अतुलनीय आहे की त्यांनी या करावं नुसतं कॅम्प ठेवलेलं आहे, तर या कॅम्पमधून निर्माण झालेले जे आजार असतील त्या आजाराची पुढची ट्रीटमेंट त्यांनी त्यांच्या ट्रस्टतर्फे वेदांत हॉस्पिटलमध्ये ठेवलेली आहे, तर खरंच वेदांत हॉस्पिटलचं पण आपण आभार मानले पाहिजे त्यांच्या टीमचं, कारण ते इथे आले आहेत, त्यांनी आपला बहुमूल्य वेळ दिलेला आहे, त्यामुळे हा कार्यक्रमाची सुशुभता वाढलेली आहे। धन्यवाद। आज हमारे साथ बात करने के लिए सेवा संस्था के अध्यक्ष सकीर अंसारी जी हैं। सबसे पहले सकीर अंसारी जी, आपको शादी की सालगिरह की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं मुंबई स्टार न्यूज़ के तरफ से, और आज आपने जो हेल्थ का ये कैंप रखा है और कितने दिनों से आप ये कैंप करते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है मानकुर शिवाजी नगर की जनता के लिए, इसके बारे में सविस्तर आप जानकारी बताइए। ये असल में ना कैंप, ये पहले हम लोग जो हेल्थ पे काम कर रहे हैं तकरीबन 15-16 साल से कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो संस्था बनाया वो काफ़ी लेट बनाया, और हमारी संस्था की तरफ से बहुत सारे कैंप हुए, ब्लड डोनेशन कैंप, उसके अलावा नॉर्मल जो चेकअप होता है पूरे यानी बॉडी का वो सब होते रहा, लेकिन हमने देखा यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है SMS कंपनी के मुद्दे को लेकर, तो जब मैंने देखा कि TV के है ना बहुत सारे केसेस हो रहे, लेकिन कैसा है हमारे साथ में डॉक्टर विकास उसवाल है जो TV के पूरे गोवंडी पूरे मुंबई पूरे इंडिया के बेस्ट डॉक्टर है, तो उसके अलावा कैसा वो डॉक्टर का जितना रोल है वो तो कर ही रहे, जो पेशेंट निकला वो देख ही रहे, लेकिन कैंसर के ऊपर जब मैंने अपने आँख से देखा कोई एक पेशेंट ऐसा निकला हमारे कैंप में ही जिसको मैंने देखा, और वो पेशेंट का कैसा हो गया कि हस्बैंड को TV है, हस्बैंड को हार्ट का प्रॉब्लम है, और हार्ट का प्रॉब्लम होने की वजह से ना कैसा हो गया कि हस्बैंड है ना हार्ट के प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन जब हमने देखा कि वो पेशेंट मेरे पास आया और लेडीज़ को जब लेके जाएगा टाटा हॉस्पिटल तो पता चला लेडीज़ को 4 स्टेज का कैंसर है, बट वो हस्बैंड के प्रॉब्लम को देखते हुए ना अपना दवा नहीं ले रही थी, वो 2 रुपये का जो मेडिसिन 5 रुपये का जो मेडिसिन मेडिकल से मिलता है वो लेके गुजारा कर रही थी, जो कि बोलते ना एक बहुत बड़ा कि अपना पेन भूल के वो अपने हस्बैंड को देख रही थी। तो ऐसे कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आते जो किसी को कैसा रहता है कि मेरे पास ये पैसा नहीं, 4 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका जो डिडक्शन है जो भी कैंसर का है अवेयरनेस वो पहले हो जाए, उनको मालूमात पहले मिल जाए, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को यूट्रस कैंसर है, किसी को वजीना कैंसर है या एब्डोमेन कैंसर है, तो हर तरीके के जो कैंसर है ना पहले ही डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ गोवंडी जहाँ पर ये जगह है वहाँ पर ऐसे लोग हैं, और पूरे गोवंडी में ज़्यादातर ऐसा ही है कि अगर हस्बैंड है घर में एक फैमिली है, हस्बैंड अगर काम पर जा रहा है तो ही उसका घर चल रहा है, अगर हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए और कैंसर अगर हो जाए, यहाँ पे बहुत सारे केसेस हुए कैंसर हो जाए तो बाद में ऐसा हो जाता पूरी फैमिली बोलते ना डिस्टर्ब हो जाती,
बुरी तरीके से। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि हम लोग से जितनी सहायता हो सकती है, जितनी मदद हो सकती है करें, ताकि फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा सेफ साइड में रहे। आज के जो हेल्थ कैंप है उसमें कितने लोगों ने इसका फ़ायदा लाभ लिया होगा? यानी हमारे हर मेडिकल कैंप, हमारे हर कैंसर के जो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम रखते हैं, तो कम से कम 150 से 200 तो लोग तो होते ही है, और इसका रिपोर्ट जो है 1 महीने के बाद आता है, और इसमें पता चल जाता है। अभी लास्ट कैंसर कैंप में हमारे को एक पता चला 4 स्टेज का कैंसर, एक का एब्डोमेन कैंसर निकला, एक जेंट्स का ओरल कैंसर निकला। तो ऐसे हर तरीके के कैंसर हैं, डिटेक्ट होते। तो हम लोग कोशिश करते, क्या कोशिश ये होता हमारा कि टाटा हॉस्पिटल जाने के बाद भी पेशेंट को किसी भी तरीके से, चाहे वो फंडिंग करा के किसी भी तरीके से, उनको पेमेंट करना ही होता है, जो भी इसका ऑपरेशन हो, फर्स्ट स्टेज हो, सेकेंड स्टेज हो, या जो भी हो। बट हमारी संस्था क्या कर रही है कि इन लोगों का है ना होल बॉडी स्क्रीनिंग कराने का मकसद ये है ना कि अगर किसी को डिडक्ट भी होता है तो हम लोग ना के बराबर, यानी खर्चा ही ना हो और उसका इलाज हो जाए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं और करते भी। खूब खूब धन्यवाद अंसारी जी, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। मुंबई स्टार से बात करने के लिए आपको खूब खूब शुभेच्छा और शादी की सालगिरह की भी शुभेच्छा। कैमरामैन आफ्ताब के साथ संजय निराले, मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट।